जिले में 1 फरवरी को हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज स्थित ढाबे के पीछे बाग में बीएसए की छात्रा को जिंदा जलाकर उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने हत्या में शामिल एक युवती समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अभियुक्त अभी अभी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है। पुलिस के गिरफ्तार में खड़े इन आरोपियों को गौर से देखिए। इनका नाम अतुल गुप्ता, ललित गुप्ता व अंजलि श्रीवास्तव है। बताया जा रहा है कि मृतका वंशिका का आरोपी अतुल से प्रेम प्रसंग था। इसी बीच आरोपी की शादी दूसरी जगह तय हो गई और 25 फरवरी को उसकी शादी भी थी, पर मृतका वंशिका ने आरोपी पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो बात इतनी बढ़ी कि आरोपी ने मृतका की सहेली अंजलि श्रीवास्तव अपने 2 साथियों की मदद से कॉलेज के पास से मृतका को अपने घर में बिठाया और फिर शुरू दिल दहला देने वाली घटना। आरोपी ने अपने साथी धीरू के साथ पहले मृतका को नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर बेहोशी की हालत में उसके हाथ पैर व मुख को रस्सी से बांध दिया। यही नहीं, बाग के पास आरोपियों ने मृतका को उतारा और उसे जिंदा जलाकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गए। रायबरेली से ब्यूरो हर्षित द्विवेदी की रिपोर्ट। क्या मामला, क्या निकल गया था, निकले कैसे हत्या की गई थी, कौन कौन आरोपी थे? जी जी देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। 1 फरवरी के दिन सूचना आई थी और सूचना आई थी कि किसी अज्ञात लड़की की बॉडी हाईवे के किनारे जिसके बाग में पड़ी है। तो इसके आधार पे हमने गश्ती निकाल के इसको पहले शिनाख्त किया गया और शिनाख्त के तहत इसकी आइडेंटिटी जब परिजनों ने स्थापित की तो हमने उनके तहरीर के आधार पे मुकदमा कायम किया और उसमें उन्होंने एक व्यक्ति पे शक किया, अतुल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है, इस पे शक किया गया पूर्व के इनके आपस परिचय के आधार पे और उसके द्वारा समय समय पर धमकी देने के आधार पे हमने ये जो मुकदमा कायम किया उसमें इसको शक के आधार पे नामित किया था। उसी के तहत हमने तत्काल प्रभाव से दबिशें डाल के उठाना शुरू किया और कई चरणों में जब पूछताछ शुरू की तो जो शंका आबादी की थी वो सही साबित हुई और मुख्य आरोपी के तौर पे अतुल गुप्ता ही इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड निकला। इसने, क्योंकि ये शादी नहीं करना चाहता था मृतका के साथ और मृतका इसके साथ शादी करना चाहती थी, अतुल गुप्ता कहीं और शादी इसकी तय हो चुकी थी, 25 फरवरी को तय है इसी महीने, तो कहीं से भी किसी भी तरह से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसने इसकी सहेली अंजलि श्रीवास्तव को एक माध्यम बनाया जानकारी का और पल की जानकारी इससे मोबाइल द्वारा ये लेता था। घटना के दिन भी ये अपने साथ 2 अन्य लड़कों के साथ अपने शिवरतनगंज क्षेत्र का रहने वाला अमेठी का वहाँ से चला ओमनी गाड़ी में और एक बहाने से, शादी के बहाने से सिंदूर दिखा के इसने पीड़िता को वैन में बिठा लिया। तब तक इसकी सहेली भी वहाँ मौजूद थी, वहाँ से सहेली लौट गई और बैठाने के 2 किलोमीटर के परिधि के बाद जो घटनास्थल है वहाँ गाड़ी को रोका गया। इस दौरान लड़की को क्लोरोफॉर्म इन्होंने सुंघा दिया, उसके हाथ पैर और मुंह बांध दिया ताकि वो किसी प्रतिरोध की स्थिति में ना रहे और जब पूरी तरह से वो मूर्छित अवस्था में आ गई, अनकॉन्शियस स्टेट में आ गई, तो उसको घटनास्थल के पास गाड़ी से उतार के 2 लोगों ने, धीरू और जो ये मुख्य अभियुक्त अतुल गुप्ता, ये बाग के अंदर ले गए और साथ ही साथ जो ललित है वो गाड़ी में बैठ के वॉच करता रहा कहीं कोई देख ना ले और इन्होंने उस लड़की को वहाँ पर डालकर पेट्रोल से जो ये लेकर आए थे अपने साथ कैन में छिड़क कर वहाँ पर जिंदा जला दिया। तो ये पूरा घटनाक्रम इसका रहा। उसके बाद ये वहाँ सर घटनास्थल से वापस लौट गए। एक व्यक्ति अभी बताया जा रहा है जो हमारी कस्टडी में नहीं है, धीरू, जिसको हम लोगों को गिरफ्तारी करना शेष है कि वो कुछ देर रुक के वहाँ से गया है देख के। बाकी दोनों जो अभियुक्त हैं वो वहाँ से लौट गए हैं। अभी तक हमने इस पूरे प्रकरण में 4 अभियुक्तों की संलिप्तता पाई। ये एक घृणा के तहत उत्पन्न हुआ अपराध है और जो 4 अभियुक्तों में से 3 अभियुक्तों को, अतुल गुप्ता के अलावा अंजलि श्रीवास्तव और ललित गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और साथ ही साथ धीरू कुमार जो हैं, जो एक और अभियुक्त है इसमें, उसको भी शीघ्रातिशीघ्र हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे।